सोमवार को नगर निगम गोरखपुर के क्षेत्र में मकानों एवं वाणिज्य प्रतिष्ठानों पर सर्वे कराकर नंबर प्लेट लगाने का कार्य व्यवस्था नेशनल कमिश्नरी कॉरपोरेशन लखनऊ को नगर निगम गोरखपुर द्वारा दिया गया है, जिसमें महानगर वासियों को डाक तार, राशन कार्ड, निर्वाचन नामावली, आधार कार्ड, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, पासपोर्ट, BPL, LPL आदि कार्यों में उक्त भवन पर लगाने जाने वाले नंबर प्लेट से सुविधा मिलेगी, जिसके लिए कंपनी द्वारा भवन स्वामियों से ₹50 प्रति भवन, दुकान, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, प्राइवेट विद्यालय, नर्सिंग होम आदि से भुगतान लिया जाएगा, जिसकी रसीद भी कंपनी द्वारा दी जाएगी। नंबर प्लेट लगने से महानगर में कितने भवन बने हैं तथा उनमें कितनी जनसंख्या है, यह भी आंकड़ा संस्था द्वारा नगर निगम को उपलब्ध कराएगी, जिससे शासन द्वारा नगर निगम के माध्यम से महानगर वासियों को दी जाने वाली सुविधा और धन जनसंख्या के आधार पर प्राप्त होगी, जिससे महानगर का चतुर्दिक विकास किया जाएगा। नगर आयुक्त ने कहा कि शहर में लगभग 1,31,000 मकानों को चिन्हित किया गया है जो टैक्स के दायरे में नहीं आते। ऐसे घरों और प्रतिष्ठानों को टैक्स के दायरे में लाकर नगर निगम के राजस्व को बढ़ाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने कहा, घरों पे और वाणिज्य स्थानों पे सर पंपलेट लगाया जा रहा है, किस तरह से? नगर निगम में लगभग 1,31,000 से ज़्यादा मकान चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से काफ़ी ऐसे सारे आवास हैं जो अभी तक नगर निगम के टैक्सेशन के दायरे में नहीं आते। काफ़ी सारी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, होटल, नर्सिंग होम अथवा मैरिज हाउसेज हैं, इनको सभी को चिन्हित किया जा रहा है और छूटे हुए अथवा जो अतिरिक्त पोर्शन इन्होंने निर्माण कराया है उस पर टैक्सेशन लगाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसके चिन्हीकरण का कार्य नगर निगम द्वारा कराया जा रहा है। ऐसे स्थलों को, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को, होटल को, नर्सिंग होम को, मैरिज हाउसों को चिन्हित करके उन पर जो है टैक्सेशन की कार्रवाई की जा रही है, उनसे सख्ती से टैक्स वसूला जाएगा। और सभी सरकारी विभाग लगभग जिनके यहाँ 40 करोड़ हमारा नगर निगम के शुल्क का बकाया है, उन्हें भी नोटिस दिया जा रहा है कि वो धनराशि शीघ्र जमा कराएं।